Assalamualaikum guys, welcome to another vlog. आबिद का ऑमलेट बहुत ज़्यादा फेमस है और मैं तो खाने शेयर करती रहती हूँ रेसिपीज़ आपके साथ, तो आई थॉट आई शुड बी शेयरिंग अ मिनी व्लॉग विच हैज़ आबिद के अमेजिंग ऑमलेट की रेसिपी। वॉक करके हम आ गए हैं, नसीब ने टमाटर काट के दिए हमें, प्याज, हरी मिर्च, क्योंकि आबिद बनाने वाला है आबिद का स्पेशल ऑमलेट। हरा धनिया, कि कोई भी चिकन लेफ्ट ओवर चंक्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये हम कर रहे हैं। अंडे तोड़ेंगे, ये सब मिलाएंगे। नसीब चीज़ भी निकाल देना और मक्खन। हाँ, नसीब को भी रेसिपी याद हो गई है। चीज़ भी निकाल देना, ये वाली, वो वाली, हाँ, ये चीज़ इस्तेमाल करें, ये फ्रेश की चीज़ और मक्खन हम कम इस्तेमाल करेंगे ताकि थोड़ा सा हेल्दी बने। मैं जो चीज़ ऐड करती हूँ ऐसे ही कर देती हूँ। आप चीज़ को अच्छी तरह से चॉप करता है, सो ये है कमाल इस ऑमलेट का, ये है लज्जत का राज। चीज़ ऐसे हाथ से तोड़ते हैं। लास्ट टाइम देखा था ना, वो सही चीज़ इतना नहीं थी तो वो पैचेस में आ रही थी। क्योंकि तो मैं हाथ से नहीं तोड़ी थी। नहीं, क्योंकि वो ये इतनी बारीक करके नहीं तोड़ी थी। ओह भाई, बारीक करके तोड़ें चीज़ अगर आपको आबिद बटर से ऑमलेट बनाना है, विच इज लिटरली वर्ल्ड्स बेस्ट ऑमलेट। इसमें हम ऐड कर रहे हैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्चें। थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं हम लोग, लेकिन अगर आपको कम स्पाइसेस ऐड करने हैं तो आप कम कर लें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ऐड सम हरा धनिया। अभी आबिद ये ओवर कुक चिकन रिजेक्ट कर देगा बिकॉज ये बहुत सख्त हो गई थी। नमक हसबे जायका या हसबे जायका से थोड़ा सा कम अगर आपको बगैर ब्रेड के ही ऑमलेट खाना है जैसे हम खाते हैं। हरी मिर्चें, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, दुनिया जहाँ की मिर्च इसमें आबिद डालता है, लेकिन ये इतने मज़े का ऑमलेट बनता है कि आपकी सोच है। कुटी हुई लाल मिर्ची भी। चिकन हम दोबारा एक दूसरी वाली पका रहे हैं बिकॉज वो आबिद ने मेरी पहली वाली चिकन रिजेक्ट कर दी जो कि ये थी, और सही रिजेक्ट की बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पक गई थी, तो मैंने सोचा इसको क्या पता चलेगा। भाई, ऑमलेट एक्सपर्ट को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब हमने दोबारा चिकन बनाई है, कम पकाइए। नसीब ने हमें ऐसे लुक्स दिए हैं जैसे हम कोई कच्ची चिकन बना रहे हैं, यानी ऑमलेट में पक जाएगी। ओ, सही है। दूसरी तो है, आप बन भी गई है। मेक श्योर जो पैन आप ले उस पर थोड़ा सा थिक रहे, अगर ज़्यादा नहीं थिक रखना ऑमलेट को, लेकिन बिल्कुल थिन अच्छा नहीं लगेगा। और चिकन को छोटा छोटा सा चॉप कर लें। बस 5 मिनट, आबिद कह रहे हैं बस 5 मिनट। 5 मिनट में नहीं बनेगा एक्चुअली। अच्छा। हमारा हेल्पर नसीब आज आबिद का प्रेप शेफ बना हुआ है। आंच का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है गाइस, बिल्कुल हल्की हल्की आंच। आपको पता है हमारे देसी फ्लेम्स कैसे होते हैं, तो कोशिश करें पैन को चेक कर लें कि बिल्कुल बीच में है, कहीं से ऊपर नीचे नहीं है, ताकि इक्वली हर जगह से पके। ये भी करें पैन के साथ ब्रेजिंग, बटर ब्रेजिंग। क्यूटी जो है वो थोड़े से कॉन्शियस हो रहे हैं। फेमस ऑमलेट रेसिपी कट जाऊंगा, बट आप ऐसे भी देखेंगे उस ऑमलेट को, प्यार से बातें करेंगे उससे। चिकन स्प्रेड कर रहा हूँ, चीज स्प्रेड कर रहा हूँ। अच्छा, ये ऐसे चिकन और चीज इस तरह से आप स्प्रेड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी इक्वल हो हर बाइट में सेम अमाउंट आने की, राइट? गॉट इट। और ये कितनी देर तक हम रखेंगे पकने? डिपेंडिंग कितने अंडे डालें और कितना बड़ा पैन। और ये हमने 6 अंडे डाले ना। नसीब इसका ढक्कन दे देना, ये रहा ये रहा।
कितनी देर बाद इसको चेक करेंगे? आई थिंक ये 10 मिनट में जो है इसको कितना कम कर सकते हैं आपको? भी तुमसे पूछ रहा है वो, do you love me? Definitely love me. What? Are you ready? Okay, let's eat it. You want to see that? We just want to eat it right now. Juicy, juicy. Ooh, perfect. बिल्कुल भी ज़्यादा brown नहीं है. जबरदस्त juicy. Finally, मैंने अपने मियाँ की yummy omelette की recipe share कर दी. अगर कोई भी सवाल है तो comments में पूछ लें.